हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी जॉब लेकर आए हैं। बैंक के अंदर सीधी जॉब रहने वाली है। कोई भी भाई अगर इस वीडियो को देख पा रहा है, सुन पा रहा है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी जॉब रहने वाली है, सीधी जॉब रहने वाली है। बिना जॉब के कारण आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिसको जॉब्स की सख्त जरूरत है, तो मेरे भाई और बहन पूरा डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। पूरी वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ये पेपर के बिना भर्ती होने वाली है। बिना पेपर दिए अगर जॉब लेने वाले हैं या क्या प्रोसेस होने वाला है इस भर्ती को लेकर, जो भी दसवीं पास है, जिसने भी दसवीं पास कर रखी है, सभी के लिए बहुत ही अच्छी जॉब रहेगी। बैंक में किस प्रकार की जॉब है, पूरा आपको ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। भाइयों के लिए ये जॉब रहने वाली है, क्योंकि ये ड्राइवर की पोस्ट रहने वाली है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए कोई भी बैंक में अप्लाई करना चाहता है तो बिल्कुल आराम से कर सकता है। किस प्रकार से, कौन से बैंक में यह जॉब निकल कर आई है, आइए मैं आपको पूरा डिटेल से जानकारी दूंगा। क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ रहनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या कितनी आपकी एज होनी चाहिए, दूसरी चीज आपका फॉर्म कब से कब तक ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, आपके जो भी फॉर्म्स की फीस लगेगी वो भी आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। तो एक एक पॉइंट हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे और आपको किसी भी टाइप का कुछ भी पूछना हो, कोई भी मन के अंदर डाउट आता है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आइए मैं आपको ऑफिशियल अपडेट दिखाता हूं, पूरा डिटेल से बताता हूं। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके, सभी मेरे भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भर्ती रहने वाली है। आपके हरियाणा के साथ साथ जो भी भाई का भी दूसरे जिलों से, दूसरे स्टेट से जो भी भाई बिलोंग करता है, सभी के लिए ये जॉब रहने वाली है। ड्राइवर की पोस्ट निकल कर आई है। टोटल पोस्टें 5 रहने वाली है। सैलरी आपको 17,270 रुपए से लेकर 37,770 रुपए पर मंथ इसमें सैलरी मिलने वाली है, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 16 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या डाल रखी है, @rbi.org.in इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया रहने है, इसमें कि आपकी जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में कहीं पर भी जॉब देखने को मिल सकती है। ऑनलाइन आपका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, 27 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 16 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एग्जाम डेट अप्रैल मई में आपका एग्जाम है वो करवा लिया जाएगा। 5 पोस्टें इसमें डिटेल से देखने को मिल रही है। अगर कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो बिल्कुल आराम से कर सकता है। आप ये सोच रहे होंगे 5 कोई अप्लाई करेगा या नहीं करेगा, मेरे भाई और बहन बिल्कुल डिटेल से कोई भी भाई देख पा रहा है, अगर उसकी ड्राइविंग टेस्ट अच्छी है तो बिल्कुल आराम से फॉर्म अप्लाई करना। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी कैंडिडेट हैं, 450 रुपए प्लस जीएसटी आपकी लगेगी इस फीस के अंदर। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन जो भी होंगे, 50 रुपए प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। फीस आपकी ऑनलाइन रहेगी, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, 28 से लेकर 35 साल तक के जितने भी स्टूडेंट है सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज में किसी भाई और बहन को छूट चाहिए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। इसके आगे हम बात करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर। क्वालिफिकेशन आपकी ड्राइविंग की जो पोस्ट रहने वाली है, टोटल 5 पोस्टें निकल कर आई है। 10वीं पास प्लस में 10 साल अगर आपने हो गया गाड़ी चलाते हुए, अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग टेस्ट इसमें बोलिए आराम से कर पाएंगे। 10वीं पास रहने वाला है। 10वीं पास के बाद आपने अगर गाड़ी चलाते हुए 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे आपका जो टेस्ट की जो प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से लिया जाएगा, आपका एग्जाम भी रहेगा, जिसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस का मैं पहले बता देता हूं। रिटन एग्जाम लिया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। ये सारी चीजें होने के बाद आपको आरबीआई जो बैंक है उसके अंदर आपको ड्राइविंग टेस्ट जो पूरा, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं जो भी प्रोसेस इन्होंने डाल रखा है, तो आपका सिलेक्शन इसमें आराम से हो सकता है। एग्जाम पैटर्न आपका किस प्रकार से आता है इसमें, यह भी मैं बता देता हूं। ऑनलाइन आपका फॉर्म अप्लाई होगा, ऑनलाइन ही आपका पेपर होगा, 120 नंबर का पेपर होगा। टाइम आपको 2 घंटे दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें पेपर में रहने वाली नहीं है। इसके आगे आपको नॉलेज ऑफ द टेस्ट जो होता है, नॉलेज ऑफ द ट्रैफिक के रूल्स हैं, साइन है, उनके ऊपर आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 20 ही नंबर के रहने वाले हैं। ड्राइविंग स्किल के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 ही नंबर के रहेंगे। मोटर मैकेनिज्म, उसके आपके जो रिपेयर पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उनकी आपको जो नॉलेज है वो रहनी चाहिए, 20 नंबर उनकी भी दिए जाएंगे। रीजनिंग के इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से इस पूरा टेस्ट प्रक्रिया ये तैयार कर ली गई है। कंप्रीहेंशन आपको लिखना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर, या मराठी आपको आती है तो एक लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। 40 नंबर का कंप्रीहेंशन आएगा, जिसके अंदर आपको कोई भी एप्लीकेशन वगैरह अगर टाइम पर लिखनी पड़ जाए तो आप आराम से लिख सके। इस प्रकार का सिलेक्शन पीरियड इन्होंने रखा गया है, जिसके अंदर आपको 120 नंबर का पूरा पेपर दिया जा रहा है। 120 नंबर में से आप कितने नंबर ले सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो मेरा भाई गुरबैन कोई भी आरबीआई के अंदर लगना चाहता है, 10वीं पास है,
तो बिल्कुल डिटेल से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो 16 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रखी गई है इस फॉर्म की। 16 अप्रैल तक कभी भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट आपको कोई भी आएगी, डेट कोई भी फिक्स होगी, अप्रैल मई कभी भी किसी महीने की, तो आपको सबसे पहले सबसे फास्ट आपको इसी टाइप से नोटिफिकेशन रेगुलर देखने को मिल जाएगा। तो मेरे भाई रुबन, जब से भर्ती स्टार्टिंग होती है, जब से फॉर्म ऑनलाइन होता है और जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ जाती, तब तक बीच में कुछ भी अपडेट आते हैं, सारे अपडेट आपके बीच में रखे जाते हैं, सारे अपडेट आपको बताए जाते हैं, एक एक पॉइंट आपको बताया जाता है। तो सारे के सारे मेरे भाई रुबन, जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, अगर आपको सबसे पहले सबसे फास्ट चाहिए, तो सारे के सारे जो भी आज नए आए सभी भाई, तो अभी के अभी सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो। ड्राइविंग की कहीं पर भी कोर्ट में भर्ती आती रहती है, कहीं पर भी वाटर सप्लाई में भर्ती आती रहती है, काफी डिपार्टमेंट ऐसे रहते हैं जहां पर वैकेंसियां बार बार न्यू वैकेंसियों के साथ में आती रहती है। वन विभाग के अंदर भी भर्ती आने वाली है, मैंने कल भी इसका अपडेट देखा था, कोई भी अपडेट आएगा वन विभाग के अंदर कल परसों में आपकी वैकेंसियों का चार्ट है वो रिलीज हो जाएगा। तो जो भी वन विभाग के अंदर लगना चाहते हैं तो मैं उसको पूरा डिटेल से जानकारी दे दूंगा, तभी ऑनलाइन होगा, तब की तब आपको हमारी फुल डिटेल के साथ में वीडियो मिल जाएगी। तो सारे के सारे मेरे भाई बहन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, कोई भी अपडेट आता है वहां पर भी देखने को मिल जाएगा। और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी पूछना हो, तो आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, सभी भाई बहन वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।